जिन्होंने काम नहीं किए, झूठे वादे किए हैं, वो क्या बताएंगे अपने कामों के विषय में। जैसे आपने देखा होगा कि 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो नहीं दिए, तो वो बताते भी नहीं कि हमने दो करोड़ रोजगार दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी आएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, तो बताते भी नहीं है। जिन्होंने काम किए हैं बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में, जो काम हुए हैं वो अनलिमिटेड काम हुए हैं, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने कामों को बताने के काम कर रही है और कामों के आधार पर वोट मांगने का काम कर रही है। हर पार्टी कहती है हमने काम किया, कुछ कामों के नाम तो होंगे, क्या काम? नहीं, बिल्कुल काम किए हैं। देखो, झूठे वादे तो बहुजन समाज पार्टी करती नहीं है, वो झूठी बात तो करती नहीं है, मैनिफेस्टो बना दिया, झूठे वादे कर दिए। जो काम किए हैं उन कामों की लिस्ट बहन कुमारी मायावती ने अभी नखलऊ में प्रेस वार्ता करने के बाद में वो जारी की है। उसमें से कुछ काम मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में। सबसे पहला काम है कि 88,000 BTC की जो भर्तियाँ थी टीचरों की, वो भर्ती कराई 88,000 बहन जी का शासनकाल में। 1,00,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई बहन कुमारी मायावती के शासनकाल के अंदर। 41,000 पुलिस का जो कांस्टेबल से उनकी भर्ती करी गई बहन कुमारी मायावती के शासनकाल के अंदर। काशीराम शहरी आवास योजना बनाई गई जिसमें 3,00,000 मतलब 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला, परिवार मतलब उनको परिवार को वहाँ पर मकान मिला। उसके बाद में बहुत सारी काम है। और बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में 23 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जिनमें नए डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए, कमिश्नरी बनाई गई, उसमें सारा कुछ सिस्टम बनाया गया, 23 नए बनाए गए। उसके बाद एजुकेशन में जो बहन जी ने काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है, बहुत जबरदस्त, हाँ जबरदस्त काम किया बहन कुमारी मायावती का। अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती ने 7 मेडिकल कॉलेज बनाए अपने शासनकाल में, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 2 होम्योपैथिक कॉलेज बनाए, 24 पॉलिटिकल कॉलेज बनाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज बनाए, 200 से अधिक इंटर कॉलेज बनाए, 572 हाई स्कूल बनाए और 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनाए और 1,000 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा ITI के स्कूल बनाए, जो कॉलेज खोले गए बहन जी ने। और नए 6 मंडल को गठन किया गया बहन कुमारी मायावती के माध्यम से। और जो अंबेडकर योजना में बनाए थे 28,419 अंबेडकर ग्राम सभा में गांव आए थे, उनका बिल्कुल कंप्लीट विकास किया गया बहन कुमारी मायावती के माध्यम से। और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, मतलब बनाने की घोषणा की जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो मोदी जी जिनका फीता काट रहे हो बहन कुमारी मायावती की योजना है। और हाईवे बनाए बहन जी ने, सबसे पहले जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया वो बहन कुमारी मायावती के ज़माने में बना, जब हाईवे उत्तर प्रदेश में बनने लगे। तो बहन जी ने जो काम किए हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उसको बताना एक घंटे दो घंटे में बताना कम होगा। बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश के अंदर जो बुद्ध में किया है उत्तर प्रदेश को, आपने देखा होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ बना, नोएडा बना। गौतम बौद्ध यूनिवर्सिटी कहाँ है, नोएडा में बनाई। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया, बनाया ना, तो वो बहन कुमारी मायावती ने बनाया। विश्वविद्यालय बनाए, लोगों को लिए गया। और सबसे बड़ा जो एजुकेशन में काम किया कि जो गरीब बच्चे हैं, ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे हैं या जनरल के बच्चे भी हैं, उनको 0 बैलेंस पर एडमिशन देने का काम किया। अगर आपकी फीस 1,00,000 रुपया है तो आपको 1,00,000 रुपया नहीं देना है। आपको नहीं लगता BSP ने देरी कर दी अपना काम बताने में, लोगों को समझाने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं अब सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो मीडिया है, जो एक गोदी मीडिया है, वो तो हमारी बात को बताता नहीं है, वो तो कामों को नहीं बताता है, वो हमारी कमियों को बताता है बार बार। मगर जो सोशल मीडिया है, हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, वो घर घर जाएंगे और बहन जी के काम को बताने का काम करेंगे। क्योंकि बहन जी के शासनकाल में जो काम हुए हैं आज तक उत्तर प्रदेश में, ना कभी पहले हुए हैं ना कभी बाद में होंगे। बहन जी का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं और कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काम पर विश्वास करती है, काम के जो वादे करती है उन्हीं कामों को करती है। हम मैनिफेस्टो नहीं निकालते हैं कि वादे कर दिए मोदी जी की तरह कि हम ये कर देंगे, योगी जी की तरह हम ये कर देंगे, ऐसे झूठे वादे नहीं करते हैं। उसी पे मिलता है ना, नहीं वोट मिलता है, मगर आज नौजवान साथी उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, रोजगार के लिए तड़फ रहा है, आज एजुकेशन के लिए तड़फ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोविड का समय आया तो कोविड के समय में लोगों को हॉस्पिटल नहीं था, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, उनको हॉस्पिटल भी नहीं था। यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे, मगर सरकार क्या कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, वो एफिडेविट देते हैं। तो झूठी सरकार को लोग पसंद नहीं करते हैं। बहन कुमारी मायावती जो वादे करती हैं, जो कहती हैं वो करती हैं, कहनी और करने में अंतर नहीं है बहुजन समाज पार्टी के लिए। इसलिए 2022 में उत्तर प्रदेश के जो वहाँ के लोग हैं वो बहन जी को दोबारा चाहते हैं कि बहन जी आए शासन में
और पांचवी बार मुख्यमंत्री बनकर देश का जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की मुखिया बने, और उस मुखिया बन बहन जब मुखिया बन जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में न्याय की व्यवस्था होगी, एजुकेशन होगी और चिकित्सा होगी और सबको रोजगार मिलेगा, सब खुशहाली रहेंगे भाई, और भाई भाई जो वहाँ पर भाईचारा वो बनेगा, समता मैत्री भाईचारा का काम होगा। पर समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम हमने किया, काम बोलता है हमारा। समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। जो माननीय काशीराम साहब के नाम से सारंगपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, उन्होंने उसका नाम बदलने का काम किया, जिलों के नाम बदलने का काम किया। समाजवादी को पार्टी को कोई क्यों वोट देगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि अगर बच्चे बलात्कार करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उनको सजा दोगे? क्या उनको फांसी दे दे? तो महिलाएं कैसे उनको वोट देंगी? नहीं वोट देंगी। एससी एसटी की अगर तुम बात करो तो बहन कुमारी मायावती का जब शासन था 2007 से लेकर 2012 तक, तो बहन जी ने रिजर्वेशन दिया था प्रमोशन के अंदर, प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है वो दिया था बहन जी ने, मगर 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, मगर बहन कुमारी मायावती फिर भी नहीं मानी और बहन कुमारी मायावती ने उसको कंटिन्यू करा। जैसे अखिलेश आए, अखिलेश 2012 में आए, तो 2012 में आने के बाद तुरंत 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को, जो एस सी एस टी के जो कर्मचारी थे उनको डिमोशन कर दिया, जो हेड कांस्टेबल का कांस्टेबल बना दिया, जो एस एच ओ था उसको हेड कांस्टेबल बना दिया। तो ये किसका काम था? ये अखिलेश यादव का काम था। तो पर बीएसपी बताते तो नहीं है ना ऐसे? और मैं बता रहा हूँ आपको, और दूसरा काम सुन लीजिए, और वो कहते हैं कि भैया हमें और जो मुसलमान वोट देंगे, मुसलमान क्यों वोट देगा? मुसलमान इसलिए वोट नहीं देगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनका आपका अखिलेश जी का शासन था, अखिलेश जी के शासन काल में 2012 से लेकर 2016 तक 200 से ज़्यादा रोस्ट हुए हैं, हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हुए हैं ना वो 200 से ज़्यादा हुए हैं। मुजफ्फरनगर कब हुआ? जब भी उनके शासन काल में हुआ। अखलाक कब हुआ? वो उन्हीं के शासन काल में हुआ। हाशिमपुरा हुआ। और आज भी जब उनके बड़े नेता हैं आजम खान जेल में जाते हैं तो वो कोई आंदोलन नहीं करते हैं, सिर्फ ये डर दिखा के, मुसलमानों को डर दिखा के कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट नहीं दोगे बीजेपी आ जाएगी, इसलिए आप वोट देते हैं। आप डरो मत, बीजेपी अभी भी है, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पानी है। आपका अगर एनआरसी का मुद्दा होता है तो दलित एक्टिविस्ट आपके साथ में आते हैं, सारा कुछ बात करते हैं, तो आप वो क्यों देंगे? नहीं देंगे वोट। आपने अखिलेश जी रही दूसरी बात, अखिलेश जी का जिक्र किया, मैं आपको रोक कर पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार वो अपनी रैलियों में और सभाओं में गधा हाथ में ले रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो मुसलमानों को लिए टोपी पहनेंगे क्या अखिलेश यादव? बिल्कुल, वो टोपी पहने हैं तो कुछ भी पहने हैं, मगर टोपी पहले पहनेंगे क्या? अभी तक तो नहीं पहने उन्होंने। अब वो पहनेंगे नहीं पहनेंगे वो जाने, बट मुझे लगता है कि वो मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते हैं। मुसलमानों का जो डर है, डर दिखाकर ये एक आरएसएस का बीजेपी का तो वो उठा रहे हैं। हाँ, गधा पदा उठा रहे हैं हाथ में वो। अब वो उठाएंगे नहीं उठाएंगे उसको मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की टोपी पहनने के बाद भी वो मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के डर दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस आ जाएगी, मतलब वो आरएसएस आ जाएगी और दूसरी पार्टी आ जाएगी। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको डरना नहीं है किसी से भी, आपको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देनी है। अगर आपको न्याय चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, तो आप बीएसपी का वोट दे सकते हैं, वोट देनी भी चाहिए। रही तीसरी बात में जो बता रहे थे आपको कि यादव भी आपको उनके बाद वोट देने वाला नहीं है, इसलिए वोट देने वाला नहीं है कि सहपाई के जितने यादव हैं उनका जो परिवार है वही यादव है, उनको आगे बढ़ाने काम करते हैं और किसी यादव को आगे नहीं बढ़ाते हैं वो, तो उनको क्यों देगा यादव वोट? तो नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ जो अपने परिवार में भी सत्ता के लिए बिखराव कर देता हो, लड़ाव करता हो, अपने चाचा को भी अलग कर देता हो जिन्होंने पार्टी में इतना कुछ करा, तो दूसरे लोगों को क्या मान सम्मान देंगे? इसलिए ये चालाकी है मीडिया की, ये चालाकी आरएसएस और बीजेपी की कि एक कमजोर पार्टी को दिखाएं कि वो टक्कर में है। भाजपा के टक्कर में कौन है? सपा। और जो बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत में है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में, उसको पिक्चर में दिखाने का काम नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से ये प्रोपोगंडा चलाने का काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से गांव-गांव में जाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। जो बहन जी के शासनकाल में काम हुआ वो किसी के शासनकाल में काम नहीं हुआ। आप एक बार फिर बहन जी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, पांचवी बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार को लेकर आइए, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश की पूरी सूरत बदल जाएगी।